वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड्रॉयड 12 रोम कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो में जो है फर्स्ट यहाँ पे एंड्रॉयड 12 रोम मिल चुका है, जो कि यहाँ पे पटैटो यहाँ पे ओएस आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे वो ओएस को कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है, जो कि MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है। उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है, जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग, जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो अपने डिवाइस में तो फर्स्ट अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा। और यहाँ पे बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है तो बेशक आप यहाँ पे जो है पटैटो ओएस को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि एंड्रॉयड 12 आपको यहाँ पे बेस्ड मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको होम प्रेस करना है और अपने डिवाइस को यहाँ पे सिंपल पीसी से कनेक्ट कर लेना है। फाइल ट्रांसफर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और आपको यहाँ पे आना है पीसी में। पीसी में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल, उसके बाद TWRP, उसके बाद कस्टम रॉम, उसके बाद मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर APK। यहाँ पे तीनों रूट के लिए यूज़ होता है, एक कस्टम रॉम है, इसके बाद एक कस्टम रिकवरी और एक कमांड के लिए यूज़ होता है, जो कि प्लेटफॉर्म टूल। ये चारों फाइल को कॉपी कर लेना है अपने इंटरनल स्टोरेज में, यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट हो रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है। उसके बाद डिवाइस में आना है, पावर प्लस पहले डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे पावर प्लस पहले डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट होल्ड करना है, जो कि देख सकते हो डिवाइस आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है पीसी में। पीसी में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है, ए फोल्डर को भी ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है, जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा, जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर और उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है। इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे पीसी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे जो TWRP है, जो कि कस्टम TWRP, इसका यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू का लेना है। इसका भी एक फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, एक फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैश, जो कि MIUI एंड्रॉयड 11 और यहाँ पे जो रिकवरी है एंड्रॉयड 11, जो आपको यहाँ पे MIUI वर्जन में एंड्रॉयड 11 मिल जाता है उसके लिए ये रिकवरी बनाया गया है। तो यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करना है, जो कि देख सकते हो MIUI 12.5 एंड्रॉयड 11 के लिए ये रिकवरी है। अगर आपके डिवाइस में एंड्रॉयड 10 है तो वर्जन 2.7 यूज़ कर लेना है। 2.7 का भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस में यहाँ पे TWRP बूट हो चुका है, जो कि यहाँ पे TWRP फ्लैश होने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे बूट हो जाता है। और यहाँ पे जो पीसी का वर्क है यहाँ पे खत्म हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को पीसी से। उसके बाद डिवाइस में आना है, सिंपल आपको वेट कर लेना है, जो कि देख सकते हो TWRP आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है रोम को, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रोम कॉपी है। वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेलविक सिस्टम वेंडर डेटा कैश, वाइप कर देना है। होम प्रेस इंस्टॉल पटैटो ओएस को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो रोम इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर आप ये रोम के साथ रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो मैजेस मैनेजर जिप को इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। विदाउट रूट के इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, फॉर्मेट डेटा आपको यहाँ पे यस कर लेना होगा। और अगर आप यहाँ पे रूट के साथ इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप को इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। उसके बाद डेटा वाइप करना होगा। तो यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग एरर आ रहा है। उसके बाद रिबूट आपको यहाँ पे रिकवरी चूज़ कर लेना है, जो कि एक बार यहाँ पे रिबूट होने के बाद आप बेशक यहाँ पे डेटा वाइप करोगे तो डेटा वाइप हो जाएगा। और विदाउट डेटा वाइप के यहाँ पे आपका डिवाइस जो है यहाँ पे बूट ही नहीं होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे डेटा वाइप कर लेना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आपका जो है डिवाइस यहाँ पे बूट होगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे डेटा वाइप कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है। उसके बाद स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन, वाइप, फॉर्मेट डेटा, यस। तो यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा, जो कि डिवाइस बूट होने तक।
तो यहाँ पे देख सकते हो POSP जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे बूट लोगो देख सकते हो जो कि न्यू लेआउट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो पोटैटो सक्सेसफुली बेक्ड। तो यहाँ पे आपको सिंपल सेटअप कर लेना है और सेटअप करने के बाद यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो जो कि एंड्रॉयड 12 कस्टम रोम को, जो कि यहाँ पे फर्स्ट कस्टम रोम मिल जाता है जो कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के लिए। और यहाँ पे ये जो वीडियो है एक इंस्टॉलेशन वीडियो है, इसके बाद एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो मिल जाएगा जो कि यहाँ पे सून। और यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।